सो गुड मॉर्निंग दोस्त, टेरिस खेतीबाड़ी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा गुलाब 12 महीने कैसे पाए अपने पेड़ पे और गुलाब ज़्यादा क्वांटिटी में कैसे पाए, इसका राज मैं आज आपको शेयर करूंगा। गुलाब, ये देसी गुलाब देख सकते हैं आप, मेरा ये देसी गुलाब है और इस तरह की काफ़ी सारी और भी मेरे बर्ड्स आती रहती है, हमेशा कभी कम नहीं होती। जैसे ये देखिए, इसमें भी बर्ड्स लगी है, एक ही लगी हुई इसमें, शायद मैं आपको दिखला पा रहा हूँ, धूप के कारण पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही दिखला रही है। ये देखिए, कुछ मेरे गुलाब्स आ गए, कुछ मुरझा गए हैं और कुछ पीछे आ रहे हैं, ये रहे इसमें। और ये देखिए, इसकी हाइट देखिए, इसकी हाइट देखिए, गुलाब भी मेरा बड़ा आता है, गुलाब की हाइट भी अच्छी होती है। तो इसमें क्या डालते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स में हम डालते हैं जिससे हमारा गुलाब 12 महीने आता रहेगा, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, गुलाब देता रहेगा। ये देखिए बर्ड्स, देखिए सर, ये गुलाब की बर्ड्स आ रही है, ये रही, ये रही गुलाब की बर्ड्स, ये रही गुलाब की बर्ड्स, ये सब गुलाब आने वाले हैं। और मेरा प्लांट हमेशा हरा भरा रहता है, जितने भी प्लांट हैं गुलाब को अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, गुलाब की नहीं अलग से फर्टिलाइजर बनता है इसका, वो सब मैं आपको आप इस वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, इस वीडियो को मेरी एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा इसका प्रॉपर तरीका। इस पर मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट करा है, तब जाके मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको चीज़ समझ में आए और आप भी अपने घर पर इसको इस्तेमाल करें। बहुत आसान तरीका है। और ये देखिए, एक ये आ गया, ये आ रहा, एक वो आ रहा, एक आपको शायद पीछे तरफ दिखला पा रहा हूँ मैं, वो रहा। सो गाइस, आपको मैं आज इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको मैं किस तरह बल्क में हम गुलाब पाएंगे। गुलाब हमारे कभी भी इस प्लांट में कम नहीं होंगे, 12 महीने गुलाब देगा ये, 12 महीने देसी गुलाब है। ये देखिए, मैंने कलम से बनाया था, करीबन 3 साल पुराना है मेरा ये गुलाब का पेड़ है। ये देखिए, और मैंने किस्में लगा रखा है, ज़्यादा ऊँची हाइट भी नहीं है इसकी, 10 इंच के पॉट में लगा रखा है इसको मैंने। आइए आज आपको बताता हूँ उसमें क्या डालते हैं जिससे 12 महीने गुलाब दे और इसकी मिट्टी भी एसिडिक बनी रहे। चलिए, सबसे पहले फिटकरी एल्यूम जिसको बोलते हैं, वो ईजीली आपकी मार्केट में मिल जाएगी, किसी भी किराना शॉप में आराम से मिल जाएगी। इसमें आपने करना क्या है, इतना पार्ट ले रहे हैं इसका, ये देखिए, ये ले लिया मैंने। अब इसको छोड़ दीजिए, ध्यान रहे ज़्यादा फिटकरी नहीं लेनी है हमें। ये देखिए, मैंने इसको बारीक कर लिया काफ़ी, आप चाहें तो इसको पूरे एसिडिस भी ऐसे डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बारीक इसलिए करा ताकि जल्दी असर करेगा, जल्दी डाइल्यूट होगा। और इसके साथ आपको डालने हैं ये कुछ 4-5 दाने, 4-5 दाने ही डालने, ज़्यादा ही डालने, इसको बोलते हैं DAP। ये आपकी ग्रोथ प्लांट की मेंटेन रखता है और हरियाली को बरकरार रखता है, इससे आपका प्लांट हरा भरा रहता है और फ्लोटिंग जो आपकी आती है वो फ्लोटिंग बहुत अच्छी रखता है। चलिए, तो अब हमें करना क्या है, ये देखिए, इसकी हमें गुड़ाई करनी होगी पहले। ये देखिए, ये जो इसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है, ये आपके प्लांट की सारी एनर्जी को ख़त्म करता है, ये बेकार होते हैं सब, इसको हटाना ज़रूरी है, आपकी प्लांट की एनर्जी ख़राब करता है, इसको आपको गुड़ाई करनी है। इसे गुड़ाई कर लो चाकू से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको चारों ओर
धन्यवाद। ये देखिए, ये हमने डाल दिया इसको अच्छे से, ये अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ये सब हो जाएगा। अच्छा गाइस, मैं आपको इसको, ये देखिए जैसे मैंने कलम से बनाया था, इसका कलम से बनाने का तरीका ही बताऊंगा मैं आपको कि कलम से कैसे बनाई जाती है। कलम से बनाना आसान नहीं, हर कोई मतलब बना नहीं पाता है, बहुत मैंने भी बहुत प्रैक्टिस करी, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करा, तब जाके मेरे को पता चला इसका एक्चुअली बनती कैसी है। कलम आपने लगाई, थोड़े से बहुत पत्ते निकलते हैं, फिर वो कलम मुरझा जाती है, वो ख़राब हो जाती है, ब्लैक पड़ जाती है, काली हो जाती है वो। लेकिन उसका तरीका दूसरा होता है, एक्चुअली वैसे नहीं करना होता, वो तरीका उसका दूसरा होता है। वो कैसा होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा उसकी। अभी जैसे इस टाइम आएगा, एक्चुअली इसका भी कोई टाइम नहीं होता है। लोग कहते हैं कि कलम लगाने का टाइम होता है कि दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये सब टाइम होता है कलम लगाने का। ऐसा कुछ नहीं है, कलम आप कभी भी किसी भी मौसम पे, किसी भी वेदर में आप कलम लगा सकते हो, और कलम आसानी से आ भी जाएगी, आपकी चल भी जाएगी वो कलम। वो क्या तरीका होता है वो सब मैं आपको शेयर करूँगा, वो सबको तरीका बताऊँगा। मेरे पास, मेरे काफ़ी लोगों ने, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी है, वही मुझसे पूछते हैं यार तू लगाता कैसे कलम। जैसे मेरे देखिए, ये मैंने कलम से लगाया वो प्लांट है मेरा, और एक और दिखाता हूँ आपको। चलिए ये देखिए, ये प्लांट मैंने अपना एक कलम से लगाया था, ये भी वही है गुलाब का देसी रोज, ये मैंने कलम से लगाया था। चलिए आपको और दिखलाता हूँ मैं कलम से लगाया हुआ मेरा ये प्लांट। देखिए फ्लोरिंग, सब फ्लोरिंग आपको समझ नहीं लेगी कितना बड़ा फूल है। ये भी मैंने कलम से लगाया था, एक्चुअली इसमें दो प्लांट है, दो लगे हुए कलम से, ये बड़ा पॉट है मेरा काफ़ी, तो इसी में मैंने दो ही सेट कर देते हैं। ये देखिए, और इसी हाइट देखिए कितनी ऊँची हाइट जा रही है, इसमें देखिए ये बर्ड्स आ रही है, ये भी इसी उसी वही मतलब है कि मैं आज से करीबन 3 साल पहले के आसपास लेके आया था, 40 रुपये का प्लांट लेके आया था केवल, उससे ही मैंने काफ़ी सारे गुलाब के पेड़ बनाए। काफ़ी मैं अपने कलीग्स को, अपने सिस्टर्स को भी मैंने ये प्लांट्स दिए हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अगर ज़्यादा बल्क में फूल चाहिए, मैं बताना भूल गया था, बिल्कुल अभी ध्यान आई है मेरे को, अगर आपको ज़्यादा बल्क में फ्लोरिंग चाहिए हमेशा 12 महीने, तो ये देखिए जब आपका फूल मुरझा जाता है, उसका टाइम ख़त्म हो जाता है फूल का, तो इस जो ये बर्ड्स है याली, इसको यहाँ से इस जगह से देखिए, इधर से आपको इसे कट कर देनी है, ये दिया। इससे क्या होगा, दूसरे आपके फ्लोरिंग को पावर मिलेगी, और जल्दी वहीं से यहाँ से जहाँ से मैंने कट करा है उसी के पास से एक दूसरी नई शूटिंग स्टार्ट होगी, जहाँ से फ्लोरिंग आएगा। एक ये देखिए, ये हो चुका है। अच्छा गाइस, मैं आज आपको एक और सीक्रेट बताऊँ इसका, इसकी सीडलिंग कैसे आती है, कहाँ पर आती है वो सीडलिंग, कहाँ पर होती है इसकी सीडलिंग, होती है जैसे हमने ये तोड़ा है अभी, ठीक है, ये तोड़ा है, इसको तोड़ना नहीं होता है। अगर आप इससे सीडलिंग चाहते हो कि गुलाब के पेड़ की सीडलिंग आ जाए, बीज तैयार हो, तो इसको आपको तोड़ना नहीं है। इसको आपको करना क्या होता है, अपने प्लांट पर ही लगे रहो, लगे रहने के बाद जब ये आपका ये जो पोषण आप देख रहे हो, ये पोषण, जब ये पोषण आपका ब्राउन होने लगे, तो ये चीज़ यहाँ से हटानी होती है हमने, ये यहाँ पे लगे रहते हैं। जब ये ब्राउन होने लगे, तो ये इसको, ये लीव्स ये रहे, इसको रिमूव करना होता है, प्लांट पे लगे रहने चाहिए वो। लेकिन फिर जब ये चीज़ आपकी बिल्कुल नहीं दिख रहा, आप ये भी गायब हो जाए, तब जाके उसको तोड़ लो। उसको तोड़ने के बाद आपको उसको फ्रिज, अपना रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के अंदर अपना उसको रख देना है, किसी मतलब लाइक
कोई भी कागज़ का टुकड़ा हो, न्यूज़पेपर हो, उसमें इसको रैप करके फ्रिज में रख दो कम से कम 15 से 20 दिन के लिए। उसके बाद इसको निकालिए आप, और सेंटर से जैसे आप इसको खोलेंगे, मतलब तो आसान नहीं होता खोलना, ये जब ये हो जाएगा ना, पक जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, तब ये आसान नहीं होता खोलना। तो इसको बीच में से काट देना है आपने। काटने के बाद इसके अंदर से देखिए, अब ये वाइट सीड्स हैं, अभी तैयार नहीं है। जब ये सीड्स होंगे ब्राउन, अंदर के सीड्स भी ब्राउन होंगे और थोड़े बड़े बड़े सीड्स होंगे, उस सीड्स को आपको जो सोइल मीडिया यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा उसमें मीडिया यूज़ करना है। उस मीडिया के अंदर आप उसको दबा के रख दीजिए, लेकिन इसकी जर्मिनेशन टाइम लगता है करीबन 1 से 1.5 महीने का। आसान नहीं होती इसकी जर्मिनेशन, तो उसको छेड़ना नहीं होता भाई उस दौरान। ये देखिए, तो आपको इस चीज़ का ये देखिए, अगर आप इससे सेड़ना चाहते हैं तो। इसलिए लोग कलम से लगाना आसान समझते हैं कि वो जल्दी हो जाता है, उसकी शूटिंग भी जल्दी स्टार्ट हो जाती है और बढ़िया भी चलता है कलम वाला ब्रांड। सेडलिंग वाला ब्रांड कई बार हल्का पड़ जाता है, कलम वाला ब्रांड हल्का नहीं पड़ता, उसकी फ्लोरिंग बढ़िया बढ़िया आती रहती है। सो गाइस, आप प्लीज़ अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेशन दे कि मैं और वीडियो बनाऊँ उस तरह की। एक्चुअली मैंने नया चैनल बनाया है, थोड़ा आप समझ रहे होंगे कि न्यू बंदा है, नया चीज़ शुरू करा उसने। तो गाइज़, आप लोगों की भी सपोर्ट, आप लोगों की हेल्प, आप लोगों का प्यार चाहिए होगा मुझे, और मैं आपको वो वीडियो इस तरह की वीडियो बना के दिखलाऊंगा जो आपने कभी देखी नहीं होगी, और उसके रिजल्ट भी 100% होंगे, क्योंकि जो मैंने अपना एक्सपीरियंस करा है, मेरे को अराउंड 15 to 16 years का मतलब एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में। ये मेरा एक्चुअली पैशन है, मैं तो जॉब करता हूँ लेकिन ये मेरा पैशन है। मैं चाहता हूँ जो मैंने करा है वो और लोगों को भी पता चले। लोग काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, एक्चुअली मैंने भी बहुत पैसा खर्च करता इस काम, जब मतलब मैंने, मेरे को शौक चढ़ा था इस चीज़ का, तो मैंने भी बहुत पैसा खर्च करा कि ये ला रहा वो ला रहा ये ला रहा वो ला रहा। एक्चुअली कुछ खर्चने की ज़रूरत ही नहीं होती है, बहुत ही मतलब लिमिटेड अमाउंट, 50 रुपये 20 रुपये आप खर्च करके बहुत अच्छा अपना गार्डन बना सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी तो पतझड़ का टाइम है, इस चक्कर में थोड़ा कम है, तो देखिए ये गुलहड़ है यानी हिबिस्कस का प्लांट, इसकी हाइट देखिए आप। बहुत कुछ करा गाइस, बस ये सब चीज़ आपको दिखलानी है, समझानी है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें मैंने आपको बताया नहीं, ये हमने इसमें फर्टिलाइज़र तो उसका डाल दिया है, इसको डालने के बाद हमने पानी नहीं देना है बिल्कुल भी 1 दिन तक पूरा। नेक्स्ट डे आके हल्का सा पानी देना है कि सिर्फ सोइल मॉइस्ट हो, बस ये नहीं कि भर दे रहा फुल, सिर्फ सोइल मॉइस्ट करनी है हमने बस, और कुछ नहीं करना है। इतना ही करना होता है इसमें, फिर आप देखिए 10 से 15 दिन बाद इसका रिज़ल्ट देखिएगा। आपके अगर लीव्स येलो हो रहे हैं, छोटे पत्ते हैं, तो पत्ते भी बड़े होंगे और साथ के साथ हरी हरियाली अच्छी आएगी इसके अंदर, ग्रीननेस बहुत अच्छी आती है, और आपकी फ्लोरिंग तो बल्क में आने वाली है, बहुत मज़ा आएगा। तो गाइस, मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। थैंक यू।